कैसा लगा नाटक? अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों नाटक के अलावा मेरा दिमाग कहीं और लगा था। फिर फायदा क्या हुआ सुधा? हम घर से इसीलिए तो गए थे कि बच्चों को साथ लेकर जाएंगे, नाटक देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कहीं डिनर लेंगे। क्या करूं, रह रहकर मुझे कुछ होने लगता है, कई सारी बातें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और फिर कौन सी नई बात पैदा हो गई है? वही, छुटकी के फादर का पता कैसे लगाएंगे? सुधा, हर वक्त इसी बात की फिक्र करके तुम क्यों अपनी खुशियां बर्बाद कर रही हो? क्या करूं शरद, एक नन्ही बेजुबान जिंदगी का सवाल है। सुधा, तुम भी गलत वक्त पर गलत बातें क्यों पैदा करती हो? लेकिन उसका पता लगाना तो होगा ना शरद, उसे पता तो चल जाए कि अब चित्रा इस दुनिया में नहीं रही और उसकी प्यार की निशानी अब इस दुनिया में अपनी सांसें ले रही है। सुधा, उस आदमी की तलाश में हम अपना सुख चैन तो नहीं गवा सकते ना? जहां जहां हो सकता था मैं गया, पता लगा सकता था मैंने लगाया, अब उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो क्या करें? चित्रा को उस आदमी पर बहुत भरोसा था शरद, तो फिर उसने कभी उसकी खबर क्यों नहीं ली? हो सकता है वो शहर में ना हो या देश से बाहर चला गया हो, और फिर ये भी तो हो सकता है कि उसने जानबूझकर उसे धोखा दिया हो। नहीं, अगर धोखे की बात होती तो चित्रा मुझे जरूर बताती। हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में चित्रा से मिलने आया हो, तब तो उसका नाम पता विजिटर्स बुक में जरूर होगा। शरद, मैं कल जाकर हॉस्पिटल के विजिटर्स बुक में देखती हूँ, अगर वो आदमी वहां आया हो तो उसका नाम वहां जरूर होगा। अरे यार, आज भी इतना टाइम हो गया, लगता आज भी क्लास नहीं होगी हम लोगों की। हाँ यार, एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सर। क्या हो रहा है, ये मजमा लगाए क्यों खड़े हो? सर क्लास ही नहीं हो रही सर, करें क्या सर हम लोग? क्लास नहीं हो रही? अरे कमाल है, किसका पीरियड है? वो सर सुधा दीक्षित मैडम का, और वो है कि कई दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास नहीं हो रही और तुम लोग यहाँ आपस में बातें करते हुए खड़े हो? हम कर भी क्या सकते हैं सर, किसी टीचर को घर से थोड़ा लेके आ सकते हैं सर। आवाज उठाओ, नारे लगाओ, है क्लास नहीं हो रहा है, कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, ये तो सरासर नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। अरे सर, हमें तो ये भी पता नहीं सुधा मैडम आजकल आ क्यों नहीं रही हैं। मैं बताऊं? बताऊं? आजकल तुम्हारी सुधा दीक्षित मैडम बच्चे पालने में लगी है। क्या? बच्चे पालने में लगी हुई है? क्यों, क्या उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है सर? नहीं नहीं, मूर्ख मनुष्य ऐसा नहीं है, वो उनका खुद का नहीं औरों का बच्चा उठा के लेके आई है अस्पताल से। अब देखो, एक बच्ची की जिंदगी सवारने के लिए तुम जैसे कई लड़कों के भविष्य की जिंदगी से साथ खिलवाड़ कर रही हो, हैं? ये तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, हंगामा खड़ा कर दो, नहीं तो क्या होगा, कोर्स पूरा नहीं होगा और एग्जाम में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं? अरे नहीं सर, हम अपने साथ नाइंसाफी तो होने नहीं देंगे सर। वेरी गुड, तो जाओ प्रिंसिपल के पास जाओ, उनके खिलाफ कंप्लेन करो, हैं? अगर वो कोई कदम नहीं उठाते तो फिर नारा लगाओ, शोर मचाओ, फिर देखो तुम्हारी सुधा दीक्षित मैडम कैसे भागती हुई आती है। लेकिन सर, अगर हमने शोर मचाया, हंगामा किया और हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो फिर हम क्या करेंगे सर? अरे बच्चुआ, तो फिर डरते हुए बर्दाश्त करो, हैं? फिर एग्जाम में 0/0 आएगा और तुम्हारे माँ बाप कान पकड़ेंगे, तब समझ में आएगा। बच्चों, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सीखो, नहीं तो ये सुधा जैसे लोगों को सबक कैसे मिलेगा? कुछ पल्ले पड़ा, कुछ समझ में आया कि नहीं? समझ गए सर। समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। हाँ सर। तो जाओ प्रिंसिपल के पास जाओ, उनके खिलाफ लिखित कंप्लेन करो, हैं? और
कोई सलाह मशवरे की जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना, मैं किस मर्ज की दवा हूं, मैं तुम्हारे लिए तो हूं। अरे सर, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, बाय। बस सर, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है हमें, चलो। ए चुडू, चाय ला यार। इसका कारपेंटर बराबर धोके लगाया था उसने, चेक किया था? हाँ। कुछ चेक किया था? हाँ, पक्का। अच्छा, इसका वो स्पार्क प्लग किधर रखा है? वो छोटू रखे ला है। हाँ तो जा उसको बुला, लेके आने को बोल। पर सेठ, छोटू अभी तक आया नहीं है। नहीं, आज फिर नहीं आया? अब इसका बहुत हो गया, बहुत हो गया ये। अभी कल सुबह में मैं रहूं कि नहीं रहूं, वो आएगा ना तो हकाल देना साले को बाहर, नहीं मांगता आपके पास छोकरा लोग। सेठ, कल रात 3 बजे काम खलास हुआ था ना, इसी वास्ते लेट हो गया आएगा, और दूर से आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आएगा तो बैठा लेना काम पे, कुछ बोलना मत। सेठ जा, तू जा, सब छोकरा लोग चाय पी लिया? आओ सेठ, चल जा। हेलो छोटा सेठ। अरे तू इधर क्या कर रहा है, कॉलेज नहीं जाना? वो आपने बुलाया था ना डैड। मैं तेरे को काय का वास्ते बुलाएंगे इधर यार, आप ही ने तो याद कर लिया। हाँ हाँ याद आया, वो क्या है कि मैं सोच रहा था अभी तेरी लाइफ की गाड़ी जो है ना, उसका अलाइनमेंट परफेक्ट हो गया है, बिंदास दौड़ा सकता है रोड के ऊपर उसको। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डैड? ए टेलीफोन देख, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मतलब की बात ही तेरी समझ में नहीं आती यार, अपने भेजे में ग्रीसिंग कर, सब स्मूथ हो जाएगा। एक्चुअली वो आई थी घर पर। वो आई थी? पल्लवी आई थी घर? और नहीं तो क्या, उसकी माँ आई थी। कमाल करता है यार बेटा, पल्लवी को देखता हूं ना तो तबीयत खुश हो जाती है। अब ये गाड़ी तेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए, समझा? मेरी तरफ से तेरे को पूरा लाइसेंस है, पक्का लाइसेंस। तुम लोगों के बीच में कुछ बातचीत होती है क्या? कैसी बातचीत डैड? अब ये भी मैं ही बताऊं, मैं तेरे को लाइफ लॉन्ग पक्का लाइसेंस देने की बात कर रहा हूं और तू लर्निंग लाइसेंस पे अटका होगा। अरे यार, तुम्हारी आपस में कुछ बात नहीं होती क्या? होती है डैड, कॉलेज और क्लासेस की बातचीत होती है। कॉलेज के अलावा भी कुछ बात किया करो यार। अरे डैड, कॉलेज के अलावा हमारी मुलाकात ही नहीं होती ना। तो करो, उसको घुमाने फिराने ले जाओ, उसको पिक्चर विक्चर दिखाओ। डैड, पिक्चर देखने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और आप जो मुझे पॉकेट मनी देते हैं ना, उसमें ये संभव नहीं है। तो जा, आज से तेरा पॉकेट मनी डबल कर दिया, लेकिन एक शर्त है, तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम पल्लवी के साथ गुजारोगे। ट्राई टू कम एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपनी दोस्ती को पक्का बनाओ। हमारी दोस्ती तो पक्की है डैड। तो फिर इस दोस्ती को लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में बदल दो, तुम्हारी मॉम भी ये चाहती है। पता नहीं डैड, पता नहीं पल्लवी इसके लिए तैयार होगी या नहीं। अरे तू बात तो करके देख यार, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो तेरा बाप किस दिन काम आएगा, उठा के लेके आएंगे इसको। थैंक यू सो मच डैड। अब जाओ कॉलेज जाओ, शी माइट बी वेटिंग फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डैड। देख संजय, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा लेले सर ने हमको बताया है। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर एक कंप्लेन लेटर लिखते हैं। इसमें लेटर लिखने की क्या जरूरत है, अरे सीधा चलकर प्रिंसिपल से बात करते हैं ना। यार बात करने में वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो लेटर देने से पड़ सकता है। अब लेटर लिखकर टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा, चलो चलकर बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम हंगामा खड़ा कर देंगे। ये हंगामा किस तरह का भाई? सुधा मैडम के खिलाफ जुलूस निकाल कर, आखिर उन्हें तनख्वाह इसी बात की दी जाती है, कोई बच्ची पालने की नहीं। सही कह रहा है संजय, और वैसे भी उनका क्या जा रहा है, पढ़ाई तो हमारी बर्बाद हो रही है ना। उन्हें नौकरी करना है करें, नहीं तो छोड़ के चली जाएं, उनकी जगह कोई दूसरा पढ़ाने आ जाएगा। जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे ना हम लोग? हाँ हाँ, तुझे तो गलत लगेगा ही, तू दीक्षित मैडम का चमचा जो है, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि अभी तू यहाँ से चला जा चुपचाप, वरना मेरा माथा ठनक गया ना तो अच्छा नहीं होगा।
अरे इसमें चमचे के लिए क्या बात है भाई, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा था। तू अपनी सलाह अपने पास रख और यहाँ से चला जा, अगर मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी ले सर हमारे साथ हैं, हमें किसी डरने की क्या जरूरत है। क्यों भाई वीरेन, किससे डरने की बात कर रहे हो हा? और क्या प्लान बना रहे हो संजय? तो क्या है सर कि हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत दिन हो गए हो ही नहीं रही है। अच्छा, तो जब भी तुम्हारी क्लासेस होती है तुम सभी क्लासेस अटेंड करते हो? नहीं देखिए सर, हम क्लास अटेंड करें ना करें ये हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन एक प्रोफेसर को तो अपनी क्लास अटेंड करनी चाहिए ना, क्योंकि उसे इसी बात की तनख्वाह भी दी जाती है। अच्छा, तो नेतागिरी करने का शौक चढ़ गया तुम लोगों को? नहीं सर, इसमें नेतागिरी करने वाली बात नहीं है, हम केवल दीक्षित मैडम के खिलाफ प्रिंसिपल साहब को शिकायत करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने उचित कार्रवाई की तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा वीरेन, मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों को भड़काया किसने? अरे हमें कौन भड़काएगा सर, हम कोई छोटे बच्चे हैं जो हमें कोई भड़काएगा और हम भड़क जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग छोटे बच्चे कहाँ हो, तुम लोग बहुत बड़े हो गए। लेकिन एक चीज तो है संजय वीरेन, कि दीक्षित मैडम अपने सिलेबस को कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती है, चाहे उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों ना लेना पड़े। लेकिन सर लेले सर तो कह रहे थे वो आजकल किसी बच्ची को पालने में लगी हुई हैं। ओह आई सी, तो दीक्षित मैडम किसी बच्चे को पाल रही है, इसे लेकर आप लोगों को आपत्ति है। दीक्षित मैडम अपने घर में क्या करती है और क्या नहीं करती है इसका मतलब तुम लोगों से नहीं है। यू शुड बी ओनली इंटरेस्टेड कि व्हाट शी डज विद योर स्टडीज एंड विद योर सिलेबस। खैर, लेले सर तो रोज कॉलेज आते हैं ना, क्या आप लोगों ने लेले सर से कभी पूछा कि उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं किया? छोड़ो, जो कुछ दीक्षित मैडम ने आप लोगों को पढ़ाया उसे जाकर रिवाइज करो, जाओ यहां से। अच्छा हुआ कि तुम आ गए जय, अब तुम भी चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही। अच्छा सब ठीक तो है? सब ठीक है। वो छुटकी वो कैसी है? जब से छुटकी इस घर में आई है ना, तब से किसी को अपनी सुध बुद्धि नहीं, बच्चों के लिए तो वह एक खिलौनी बन गई है। आज वो दोनों स्कूल नहीं जाना चाहती थी, किसी तरह डांट झपट कर उनको भेज दिया मैंने। तुम भी तो इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हो, तो मैं भी डांटने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। अरे उसके लिए शरद तो है ना। लेकिन जय इस बीच में बहुत परेशान। क्यों? चुटकी के बाप के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। सुधा मुझे लगता है कि तुम अपने आप को इतना मत बिखेर दो कि समेटना मुश्किल हो जाए। जिंदगी में कोई भी एक बात इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जाए कि उसके चक्कर में दूसरी चीजें बर्बाद हो जाए। मैं समझी नहीं। देखो सुधा, अगर चुटकी के बाप को सामने आना होता तो वो आ जाता, तुम्हारे इस तरह ढूंढने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जय मैं सिर्फ अपनी एक कोशिश कर रही हूँ, अगर चित्रा मेरे लिए एक दोस्त थी और ये उसकी बच्ची है, हम उसके लिए चाहे कितना कुछ न करें, खून के रिश्ते से ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुधा खून के रिश्ते को तलाशने की जरूरत नहीं होती है। मुझे तो ये लगता है कि इस बच्ची का बाप इसकी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। बस एक बार पता चल जाए कि आखिर वो है कौन, वो चाहता क्या है। मैं उसे पूछना चाहती हूँ जय, कि अगर वो ये रिश्ता निभाना नहीं चाहता था तो आखिर उसने ऐसी सिचुएशन पैदा ही क्यों की। सुधा मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मानना न मानना तुम पर है। जिस रिश्ते को तुम खोज रही हो उसकी असलियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये तुम्हें पता नहीं। चित्रा और उस आदमी के बीच क्या था और क्या नहीं, मैं तो कहता हूं कि तुम अपने आप को मत उलझाओ। मैं बस ये नहीं चाहती हूं कि उस नन्ही सी जान के साथ किसी भी तरह की बेइंसाफी हो जाए। मैं उस हॉस्पिटल में जाकर रजिस्टर में देखना चाहती हूं, शायद कहीं से उसके बाप का नाम निकल आए। मैं छुटकी को उसके बाप का नाम दिलाने की कोशिश में हूं जाए, अब उसकी मां न रही, कम से कम उसे अपने बाप का नाम तो मिल जाए। अब तुम किस सोच में पड़े हो, चलो ना मेरे साथ प्लीज। चलो
हेलो डॉक्टर। मिसेस दीक्षित बैठिए ना। थैंक यू। ये है मेरे फ्रेंड जय। जी हाँ, मुलाकात हुई थी उस दिन हॉस्पिटल में। कहिए, किसी खास बात? हाँ डॉक्टर, दरअसल बात तो यह है कि हमें चित्रा की बेटी के पिता का कोई पता नहीं चला है। वो कौन है, कहाँ है, उसकी जानकारी आप हमसे लेने आई हैं? चित्रा आपकी खास दोस्त थी, जब मरते दम तक उसने अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताया तो हमें कहाँ से मालूम होगा? मैं जानती हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी के लिए जानना बहुत जरूरी है। जरूरी है, लेकिन इस कोशिश का नतीजा क्या होगा हम कह नहीं सकते। यार डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। यही बात मैं सुधा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मानती नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती हूँ जय। एक बच्चे को अपने बाप का नाम जानना बहुत जरूरी है, वरना एक लावारिस अनाथ में और चित्रा की बेटी में फर्क क्या है? फर्क है मिसेज दीक्षित, माँ बाप नहीं हुए तो क्या हुआ, उसे इतने अच्छे अंकल और आंटी तो मिले हैं। वो एक ऐसे घर में पहुंची है, उसे कभी कमी नहीं होगी। मैं मानती हूँ, मैं कभी उसे कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी, लेकिन डॉक्टर अपने तो अपने ही होते हैं, और जब तक उसका फादर मिल नहीं जाता है, मेरे ऊपर जैसे एक बोझ है, एक कर्ज। बताइए इस मामले में मैं क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल के विजिटर्स रजिस्टर में देखना चाहती हूँ, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। सॉरी, ये बात कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह रजिस्टर्स दिखा पाना हमारे रूल्स के खिलाफ है। डॉक्टर, ये मेरा एक खास रिक्वेस्ट है, उस मासूम की पूरी जिंदगी का सवाल है, वरना इस तरह मैं आपको तकलीफ नहीं देती। अब मैं आपसे क्या कहूँ? प्लीज डॉक्टर। देखिए डॉक्टर, अगर सुधा देखकर तसल्ली कर लेना चाहती तो एक बार प्लीज इसे करने दीजिए, जबकि मैं यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमें उसमें से कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्लीज। ठीक है, मैं सिस्टर से बात करती हूँ, आप रिसेप्शन में जाइए, वो आपको दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।